कोमल मीर और दानिश तैमूर को हम पहले एक ड्रामा राहे जनून में देख चुके हैं। वो ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबको वो ड्रामा पसंद आने वाला है और बहुत ज़्यादा उस ड्रामे को प्यार भी दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं जिस तरह कोमल मीर ने कलंदर ड्रामा किया मुनीब भट्ट के साथ, उसके बाद फौरन मुनीब भट्ट के साथ कोई और ड्रामा कर लिया, जी हाँ दोस्तों वो भी जियो टीवी के लिए। तो क्या कोमल मीर हम टीवी के लिए जो ड्रामा कर रही हैं, जो आ रहा है राह जनून, उसके बाद फिर से दानिश तैमूर के साथ कोई ड्रामा करने वाली हैं? क्या न्यू ड्रामा हमें जियो टीवी पर देखने को मिलेगा या हम टीवी पर देखने को मिलेगा? दानिश तैमूर के कौन से दो ड्रामे न्यू आने वाले हैं? क्या कोमल मीर के साथ आने वाले हैं या किसी और अदाकार के साथ? ये सब आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस बारे में जानना है तो आप वीडियो को एंड तक देख सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, और हाँ अगर आप वीडियो को लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं। चलते हैं, आप लोग का अपने टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दानिश तैमूर के मुतलक। तो क्लियर कह दूँ कि ऑफिशियली खबर है दानिश तैमूर के दो ड्रामे आने वाले हैं। एक का टाइटल तेरी छाँव में है, जो हमें जल्द से जल्द हम टीवी पर देखने को मिलेगा, और दूसरा ड्रामा जियो टीवी के लिए कर रहे हैं हिबा बुखारी के साथ जान निसार। ये दोनों ड्रामे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले हैं और सब ने उन ड्रामों को बहुत ज़्यादा प्यार भी देना है। काफ़ी अच्छी टीआरपी वो ड्रामे लाएंगे। तो बात हो रही थी क्या कोमल मीर के साथ दानिश तैमूर कोई ड्रामा करने वाले हैं या नहीं, तो अभी तक इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। राह जनून के बाद अभी तक उन्होंने कोई ड्रामा साइन नहीं किया है। मुमकिन है शायद इनका काफ़ी अरसे के बाद कोई ड्रामा हमें देखने को मिले। क्या आप चाहते हैं कि राह जनून के बाद इन दोनों अदाकारों का साथ में ड्रामा आए? कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो इतनी थी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।